सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि गुप्ता टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वर्क इंडिया ऐप के बारे में, जिससे कि आप लोग अपने मनपसंद जॉब सर्च कर सकते हैं और वहां पे आप जॉब कर सकते हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था इसी वर्क इंडिया ऐप के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दिया होगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे कि मतलब उसमें काफ़ी अच्छा समझाने के बाद भी कुछ डाउट है जो कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं, उसकी डाउट को क्लियर करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोबारा से। तो वो डाउट क्या है आप एक बार देख सकते हैं, आपको दिखा दूँ मैं, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होती हैं, कुछ लोग हमसे प्राइवेटली पूछते हैं। तो जैसे कि आप, मैंने ये पहले की वीडियो बनाई है, तो इसमें मुझसे पूछा जा रहा है, सर इस ऐप में जो अपने पास की सिटी की क्यों नहीं सर्च होती। मतलब कहने मतलब ये है कि इस ऐप में जो जॉब है वो अपने पास की सिटी क्यों नहीं होती। तो कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप लोग सबसे पहले अपना शहर देखो, आप कहाँ रहते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ जॉब आपको मिल पाएगी वो है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और भी काफ़ी सारे शहर हैं, लखनऊ, कानपुर, बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे कि आपको जॉब मिलेगी। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कि जॉब का कोई नाम वाम निशान नहीं है, जहाँ से बिजनेस किया जाता है और कुछ नहीं, या छोटे मोटे दुकान होते हैं या ऐसे छोटे मोटे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे कैटेगरी पर जॉब मिलनी मुश्किल है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा तो बाहर निकलना पड़ेगा दोस्तों जॉब के लिए। अगर आप दिल्ली, नोएडा या ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं तो फिर आपको पास में ही जॉब मिल सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास जो कि मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, वीडियो लंबी जाएगी, तो आपको मैं प्रॉपर इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किस प्रकार से वर्क इंडिया ऐप से जॉब ढूँढें और उसमें अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम लोग इस ऐप को ओपन करेंगे, इंग्लिश चूज़ करेंगे और इंडिया इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, आपका अपना ऐसा फ़ोन नंबर दे, फैक्टिंग ओटीपी, आपके पास ओटीपी आएगा और यहाँ से आपको ओके कर देना है, ओके कर देना है, लोकेशन अपना, और ये आपका ओटीपी ले लिया इसने ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिखाना है कि आपको किस किस जॉब में इंटरेस्ट है, आपको जिस भी जॉब में, आपको जिस फील्ड में आपको जाना है जॉब के लिए, आपको वो फील्ड इसमें चूज़ कर लेनी है। मतलब इंटरेस्ट आपको किस चीज़ में है, जैसे कि आपको टैली कॉलिंग में है, फ्रेशर हो आप, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्रेशर ही होते हैं, तो मैं फ्रेशर के बारे में बता रहा हूँ, मैं सबमिट कर दीजिए इसे। या आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, छः महीने या एक साल का, तो उसे भी कर सकते हैं। और आप कि जो भी स्किल है, और आपकी जो भी स्किल है, जैसे कि आपको हिंदी में टेली कॉलिंग करनी है या इंग्लिश में करनी है, वो सब आप इसमें चूज़ कर लीजिए। और इसे इसमें आता है नीचे टेली कॉलिंग में कौन सा एक्सपीरियंस है, मतलब आपने कौन से उसमें काम किया है, ब्रांचेज में काम किया है, कौन से फील्ड में काम किया। टेली कॉलिंग में बहुत सारी फील्ड होती है, तो जैसे म्यूचुअल फंड है आपका, मार्केटिंग है, इसमें से कोई भी आपको सर्च कर लेना है, या रियल इस्टेट है, सेल्स है, तो ज़्यादातर लोग सेल्स में भी होते हैं या मार्केटिंग में भी होते हैं। तो इस सब में आपने जो जो एक्सपीरियंस आपका जहाँ भी कंपनी का है, आप वहाँ यहाँ लगा दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो आपका एक टैली कॉलिंग का हो गया और फिर सेल्स का हो गया, सेल्स में आप फ्रेशर हैं, या आपको वन ईयर की आपको एक्सपीरियंस है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और आपके पास लाइसेंस है या बाइक है, क्या है, वो सब आप ले लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि फील्ड में नौकरी करने के लिए आपको बाइक और लाइसेंस चाहिए। और आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, इसमें लिखा हुआ सेल्स में कौन सा एक्सपीरियंस है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ दोस्तों। तो आप जो भी आपने काम किया, जैसे आपने मेडिकल में किया है, दवाई ववाई को पहुँचाने में, या किसी चीज़ किसी दवाई को यहाँ से कहीं और में ले जाने में, लाने में,
या लोन में किया है आपने काम, या इंश्योरेंस में किया है, जो भी काम किया आप उस पर सेलेक्ट कीजिए और कम्प्लीट कर दीजिए, आपको उस कैटेगरी में जॉब आपको मिल जाएगी, या डिलीवरी में आपका किसी में भी है। तो इस टाइप से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से एक्सपीरियंस पुराना, और आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनीज के नंबर मिल जाएंगे। आपको देख रहे हैं दोस्तों, लाइन से जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड को आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसी फील्ड के ही आपको बहुत सारे जॉब मिल जाते हैं लाइन से। और इसमें ये नहीं होता दोस्तों कि आप कहीं गांव में रह रहे हैं या कहीं किसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे कि जॉब, जैसे आपका मुरादाबाद है या आपका मुरादनगर, मेरठ, मेरठ जो मतलब बहुत सारे जगह ऐसी हैं, गाज़ियाबाद में भी है, कहीं और भी है, कि आपको वहाँ जॉब प्रोवाइड नहीं होते। तो आप ऐसे फिर हमें कमेंट करते हैं कि हमारे पास के जॉब क्यों नहीं मिल रहे। फ्रेंड्स, जॉब ज़्यादातर आपको शहरों में मिलेंगे, आपको जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आपका कानपुर, लखनऊ, ऐसे शहरों में आपको जॉब मिलेंगे और आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहता कि आप कहाँ रहते हैं। और चलो चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। अब जैसे कि अगर आप लोग को इनमें से कोई सा भी जॉब पसंद आ गया तो आपको उस पर सेलेक्ट करना है और अप्लाई उस चैट करना है, अगर आपको चैट करना है। और बाकी इसमें आपको दिया हुआ है, मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, जहाँ जगह का नाम है आपको वो जगह का नाम मिल जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन आपको कितनी चाहिए उसमें वो मिल जाएगी, 12th पास और क्या उसको निशानी चाहिए, सब टोटल इसमें दिया हुआ है। जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब टाइमिंग आपकी 9-6 है, और जॉब एड्रेस जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, और उनका ईमेल आईडी, साइट जो भी है, और इनकी इंटरव्यू टाइमिंग, अगर आपको पहली बार जाना है इंटरव्यू टाइमिंग आपकी कब से कब तक की, तो सुबह 10 बजे 6 बजे तक की, मंडे टू सैटरडे आपको इसमें जॉब करना है, और कॉन्ट्रैक्ट पर्सन का नाम है ये कीर्तिका। तो मतलब ये आपको सारे इसमें डिटेल मिल जाएगी, और आपको वहीं जाना है जहाँ आपको जॉब करनी है। बीच में कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है या ऐसा कोई थर्ड पार्टी नहीं है जिससे जो कि आपसे पैसे लेगा कि आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपसे भरवाएंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन के आपसे पैसे लेंगे, पहले 800, 900, 2000 जो भी आपसे पहले मांगते हैं, और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी से करती है। तो वो सब में आपको नहीं जाना है, और आपको टोटल यहाँ से उसी कंपनी का जॉब, उसी कंपनी का आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आपको जॉब करनी है। सबसे अच्छी बात तो इस ऐप की ये है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों किस किस प्रकार से आपको इसमें जॉब सर्च करनी है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जॉब के लिए हमेशा प्रोफेशनल ड्रेस पहन के जाएँ। जो आपकी ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस है, फॉर्मल पैंट है, शर्ट है, वाइट है या ग्रे है, या किस प्रकार भी आप मतलब कपड़े पहन के जा रहे हैं, वो अच्छे और तरीके से जाए पहन के। ऐसा नहीं कि आप लोअर या नीचे चप्पल लगा जा रहे हैं, क्योंकि ये दोस्तों मैं आपको लग रहा होगा अजीब, लेकिन मेरे सामने साथ ऐसा हो चुका है कि मैं मेरे ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए जो कुर्ते में आते हैं, पजामे में आते हैं, लोअर शर्ट में आते हैं, चप्पल में आते हैं, वैसे लगता है कि कोई मतलब जॉब के लिए नहीं आ रहे, वो कोई बेलदारी के लिए या कोई मतलब मजदूरी के लिए आ रहे हो काम मांगने के लिए। तो ये बहुत चीप लगता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप में समझ है और आप अच्छे क्वालिफाइड पर्सन हैं, तो आपको एक तो सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए कि जो दिखता है वही बिकता है, ऐसे कहावत है। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा जाएगा तो आपको आगे तक जॉब मिलेगी, और कहीं भी आपके सामने आपका वो इमेज अच्छा रहेगा लोगों के सामने। तो सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस होनी बहुत ज़रूरी है, अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो इस तरह से कपड़े पहन के जाए लगे कि आप पढ़े लिखे हैं और आप क्वालिफाइड इंसान हैं, ठीक है, तभी जॉब के लिए जाएं। और अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत है। आज जब जॉब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पहले ही 5-6 लोग या 10-12 लोग बैठे होंगे वहाँ पे, जिन्होंने इंटरव्यू दे चुका है, इंटरव्यू के लिए बैठे होंगे वेटिंग में। तो फ्रेंड्स, आप उनको देख करके खुद को शर्म आएगी आपको कि हाँ मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और अपने आप को देखेंगे आप, और आपको आधा जो आपका कॉन्फिडेंस होता है इंटरव्यू देने का वो आपको वहीं डाउन हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों। तो आपके पास जैसे भी कपड़े हैं उसे अच्छे से साफ सुथरा पहन के जाइए, और थोड़ा सा फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप जॉब के लिए जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। आपको आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी फील्ड की आपको जॉब हो उसको सर्च कीजिए, उसके पहले थोड़ी सी तैयारी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है
तो ठीक है, अच्छी बात है, फ्रेशर है तो थोड़ा बहुत तैयारी आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जॉब के लिए जाएँ तभी आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हमसे जो पूछना है पूछिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।